एवरीवन, वेलकम बैक टू रिची व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज का जो वीडियो है, अभी बज रहे हैं रात के कुछ 9 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ खाना। आपको मैं मोस्टली किचन में मिलती हूँ, तो आप लोग सोचते होंगे यार ये तो हमेशा किचन में रहती है। सो मैं अभी ब्लड टेस्ट करवा के आई हूँ, ये देखो। और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तो कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह हुए हैं, तो वो अभी मैं करा के आई हूँ। उसके बाद भी आप लोगों को मतलब मैं वीडियोस बना रही हूँ, सो दैट मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मैंने बोला है कि मैं सारे अपडेट्स दूंगी। सो बस मैंने सोचा कि ये भी अपडेट देना चाहिए। और अभी शाम में ही गई थी ब्लड टेस्ट के लिए, तो वो करा के आई हूँ। देखते कल रिपोर्ट्स आएगी, जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। और अभी मैं सब्जी वगैरह बना रही यहाँ पे, और चावल सब्जी और रोटी, क्योंकि लेट हो गया आने में हम लोगों को। प्रेगनेंसी में भी कुछ जैसे होता है ना कि आप अपने घर पे हो, स्पेशली जब मायके में हो, तो कोई काम नहीं करना है, जब आपकी तबीयत नहीं ठीक है तो आप रेस्ट कर सकते हो। पर घर पे, यहाँ पे तो मुझे काम करना ही है, क्योंकि खाना नहीं बनाऊँगी तो बच्चा भूखा रहेगा, वो क्या खाएगा। सो और बाहर का बच्चे को तो नहीं दे सकते ना, कि चलो हम तो स्पाइसी या कुछ खा भी सकते, बाहर का बच्चा नहीं खा सकता। तो इसलिए कुकिंग तो उसके हो ही नहीं सकती है, अंटिल अनलेस मैं बेड पे नहीं हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। गाइस आप में से कुछ लोग शायद स्नैपी गर्ल्स के बारे में जानते होंगे। सपना चौधरी करके जो है यूट्यूबर, बहुत जिनके दो हस्बैंड की डेथ भी हो चुकी है, और पहले हस्बैंड तो उनके सूरज जी थे, जो जिनकी डेथ कोविड में हुई थी। सेकेंड हस्बैंड उनके देवर ही थे, जिनकी शादी घर में उनकी सास ससुर ने कराई। उसके बाद अब जो उनके वीडियो सामने आ रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं कि उनके सास ससुर का जो रियल फेस है वो सामने आया है। मतलब वो देख के मुझे सच में मेरा विश्वास उठ चुका है फैमिली और परिवार से, कि लोग इतने हद तक गिर जाते हैं, इतने हद तक गिर जाते हैं कि आपके बारे में सोचना भूल जाते हैं। और आपको मतलब एक लड़की सोचो, वो अर्न करती है, अच्छा अर्न करती है यूट्यूब से, उसके बाद भी उनकी फैमिली वालों को इतना नहीं कि चलो बेटे चले गए कि अच्छे से रहते हैं खुशी खुशी, पर नहीं, उनको अपनी अपने ईगो, अपने एटीट्यूड, जो भी होम रियलिटी मुझे नहीं पता क्या है पीछे की, पर हाँ जो दिखाया गया वो यही है कि इतने इज्जत करने के बाद भी उनको घर से बाहर निकाल दिया दो बच्चियों के साथ। सोचो एक विधवा औरत जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, अब उसको आप घर से कैसे निकाल सकते हो दो बच्चियों के साथ, वो भी दो दो बेटियां। तो गाइज ये सब देख के परिवार से मन उठ जाता है। इसलिए मैं ये नहीं कहती कि सबके परिवार ऐसे होते हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में और बहुत बुरे लोग भी हैं। सो गाइज आप अपने लिए जियो, सबसे पहले अपनी केयर करो और अपना ध्यान दो, क्योंकि इवेंचुअली हमारे पास जो रहेगा वो हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ और हमारा ही सब कुछ रहने वाला है। क्योंकि दूसरा कोई कुछ भी हो, सब अपने जो रियल कलर्स हैं वो आज नहीं कल दिखाई देंगे। तो इसलिए किसी और का सहारा लेने से अच्छा है अपना जो करना है खुद का करो और खुद का ध्यान दो। किसी का कोई आज के टाइम पे किसी का नहीं होने वाला है। दुनिया बहुत मतलबी है गाइस, बहुत मतलबी है। उनके वीडियोस देखने चीज़ें दिमाग में आती हैं सब देखने के बाद। तो चलो रोटी बना देती हूँ। रोटियाँ बन गई हैं, इसमें चावल बन गया है और ये सब्जी बन गई है आलू और बीन्स के, ये मेरा सैलेड कर चुका है। यहाँ पे मैंने चना और मूंग भिगा दिया, क्योंकि कल मैं चिल्ला बनाऊंगी इसका। और यहाँ पे मैंने ये भी भिगा दिया, बादाम वगैरह भी, और साथ में मैंने दही भी जमा दिया। सो ये सुबह की तैयारी हो गई है। सो आज गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कल मैंने बताया था कि मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था, और आज फिर सुबह मेरा ब्लड टेस्ट एक हुआ है, ये आप देख सकते हो। मेरा जो हीमोग्लोबिन का लेवल था वो पहले 8 पे था और वो 7 पे हो गया, तो वो ड्रॉप होता चला जा रहा है। मतलब पहले 9.6 था, फिर 8 पे आया, फिर 7 पे आया। तो उसको लेके एक टेस्ट होता है जिसमें एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें हमारा ब्लड कभी नहीं बढ़ता, और जिसकी वजह से बच्चे के ऊपर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे ब्लड कम होता है, बच्चा पानी में चला जाता है और खून नहीं मिलता उसको। तो वो सारी बहुत सारी टेंशन से रात में तो मैं बहुत रोई हूँ टेंशन के मारे। और सुबह जैसे हुई पापा से, घर पे बात हुई, तो पापा की मेरी तबीयत नहीं ठीक थी,
वो टेंशन अलग। सो बहुत सारी टेंशन से गाइज प्लीज़ प्रे करो कि सब कुछ अच्छा हो जाए, और मैं भी भगवान से यही प्रे कर रही हूँ कि सब कुछ अच्छा हो जाए। और जस्ट अभी बस नहावा के आई हूँ, अब जा रही हूँ अपने लिए। मैंने रात में मूंग की दाल वगैरह भिगाई थी तो उसका चिल्ला बना लेती हूँ क्योंकि थोड़ा वो हेल्दी होगा। और मुझे भी बहुत वीकनेस लग रही है, बीपी भी काफ़ी लो रखा है, और बस सब कुछ ठीक हो जाए जल्दी से। सो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी और मैं यहाँ पे पीसने जा रही थी मूंग दाल और चना दाल को। इसमें मैंने जीरा, लहसुन, मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला मिलाया है, और साथ में यहाँ पे मैंने दही जो जमा रखी थी वो भी मैं छाछ के लिए लेके आ गई हूँ। और फाइनली ये मैंने पीस लिया है और इसी के बैटर से हम बनाएंगे अभी चिल्ला। और यहाँ पे मेरी बॉटल्स, लड्डू की जो बॉटल्स है वो भी मैंने बॉईल कर दिया है। और छाछ का जो मसाला होता है अभी मैं उसको भून रही हूँ क्योंकि ये मसाला डाल के हम लोग छाछ पीते हैं, और इससे छाछ का जो टेस्ट होता है, वो मसाला छाछ जो होती है वो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे अभी अपना मैंने ब्रेकफास्ट जो है वो तैयार कर लिया, फ्रूट्स वगैरह काटते हैं, और ये अभी मैं चिल्ला बनाने जा रही हूँ। सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। सो आज थोड़ा मूड काफ़ी ऑफ था क्योंकि मेरी भी रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई हैं और प्लस मेरे पापा की भी तबीयत नहीं ठीक है। सो ये सारी टेंशन से कभी कभी टेंशन बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो जाता है कि यार फैमिली में सब कुछ अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि घर पे कुछ भी अच्छा नहीं चलता है ना तो मूड सच में बहुत ख़राब रहता है। और ये जो चिल्ला मैं बना रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, मतलब इसमें चना भी होता है, मूंग भी होता है, तो बहुत हेल्दी होता है, तो इसे कोई भी खा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग नारियल की चटनी से खाएंगे इसे।